हमारे पास साथ सईद मुश्ताक अहमद बुखारी जी मौजूद है। बुखारी साहब, आपका खैर मुकदम है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि पार्टी में जाने का दुख है या पहाड़ियों का साथ देने की खुशी है? पार्टी छोड़ने का दुख था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैं एक जेन्युइन काज के लिए छोड़ा है, पहाड़ियों के लिए, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं। क्यों छोड़ी आपने? इसलिए कि उनको पहाड़ी पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने छोड़ दी। क्या वजहत, किस तरह से आपको लगा कि पहाड़ी उनको पसंद नहीं है, क्या बात हुई? आपको नहीं पता कि इतना बड़ा एपिसोड कैसे हुई? अब कन्वेंशन में थे आप? हमने एक कन्वेंशन बुलाया था ऑल पार्टीज, पहाड़ीज फ्रॉम उड़ी केनकना टू पूंछ जोरी मंडी तक, उसमें तमाम पहाड़ी आए हुए थे। उसमें 25-30 के लगभग एक्स एमएलए थे, और सबसे ज्यादा एमएलए इसी भाजपा के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। उसमें रविंद्र रैना जी भी थे? हाँ, रविंद्र रैना भी थे, वो बहुत गुप्ता जी भी थे। लेकिन रविंद्र रैना तो कोई एक्सएमएलसी नहीं थे, वो तो बतौरे बीजेपी के अध्यक्ष थे। क्या आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता को बुलाया? सारे मैं जो था वहाँ, यार कमाल है, सारे थे। अब नाम लो जी, कौन कौन थे, वो उड़ी से तक आए हुए थे लोग। क्या आपने जाने से पहले कॉन्फिडेंस में लिया था फारूक साहब? मैं क्यों लूंगा, आप कहो जी आप खाना खा रहे हैं तो मैं आपसे मांगूं इजाजत, मांगूं मेरी कौम इसको धरने में जा रही है तो मैं उसको बचाने की कोशिश करने के लिए आपसे इजाजत मांगूं, मेरी कौम को प्यास लगी है तो मैं उसको पानी पिलाने के लिए फारूक अब्दुल्ला से इजाजत मांगूं, आप पे क्यों ऐसी बातें करते हो? ये तो आप इसलिए बोल रहे क्योंकि अभी आप में गुस्सा है? नॉट एट ऑल, क्योंकि आपको लगा कि मैं बिल्कुल मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे कहा गया। देखिए, मैंने एक बात असेंबली में कही हुई है, मैंने कहा फारूक साहब बुखारी और पहाड़ी जुदा नहीं हो सकते। क्या ये तशद्दुद पहले से थी? ये पहले से था, तशद्दुद नहीं, एक असूल था कि पहाड़ी मेरी पहचान है, जिस दिन मेरी पहचान खत्म होगी तो बुखारी कहाँ रहा? तो इतनी पुरानी लड़ाई थी बुखारी साहब, आपको लगता नहीं कि इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस समंदर से तूफान से निकल रही है, इस समय साथ छोड़ना, साथ तो उस समय भी छोड़ा जा सकता था जब आपने असेंबली की बात कर रहे हैं? नहीं, बात जब अभी तो सुनो ना, क्या? अरे साहब, जब बात छोड़ने की तब थी कि जब अगर कोई मुझसे ऐसी ज्यादती करता, पहले ज्यादती नहीं हुई तो मैंने नहीं छोड़ा। आज मैंने मीटिंग अटेंड करके क्या कहने लगे जी, आप भाजपा में चले गए, छोड़ो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में, अब चले जाओ। मैंने कहा बाय बाय डार्लिंग, हम आपके साथ चल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको डर है कि कोई दूसरी कम्युनिटी नाराज हो जाएगी अगर पहाड़ियों की मत करो। बुखारी साहब, आप यदि आप फारूक अब्दुल्ला की जगह होते, आपको पता चलता मेरी पार्टी का नेता जो है वो एक ऐसी कन्वेंशन में गया है जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता और पार्टी अध्यक्ष भी आया और मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप फारूक अब्दुल्ला होते आप क्या करते? मैं फारूक अब्दुल्ला होता तो मैं समझता कि इसने अपने जेन्युइन काज के लिए जिन लोगों से मिलना है, इनको एसटी उनको बुलाया, तो मैं क्यों नाराज होता? उसको वैसे सप्लाइड किया गया हमारे पुनर्जोरी के कुछ मुनाफिक लोग, वरना अदरवाइज फारूक अब्दुल्ला हमेशा इस काज की हिमायत करता रहा है। एक बार झगड़ा हो गया था असेंबली में जी। मैं बोल रहा था तो क्या पहाड़ी पहाड़ी करते हो, मैंने कहा जो आप कश्मीरी कश्मीरी करते हो मैं पहाड़ी, दूसरी बात ही नहीं। बात यह है, डोगरा लीडर डोगरा डोगरा करे, गुजर लीडर गुजर गुजर करे, कश्मीरी लीडर कश्मीरी कश्मीरी करे, कोई तकलीफ नहीं। बुखारी जब पहाड़ी के बात है तो तकलीफ हो जाती है, पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं। असल में ये है कि ये लोग जो है ये पहाड़ी कम्युनिटी के खिलाफ, इस समुदाय के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ। क्या पहाड़ियों का मुद्दा सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी ही सॉल्व कर सकती है? जो पार्टी दिल्ली में होगी, प्राइम मिनिस्टर होगा, हमें देना है प्राइम मिनिस्टर। क्यों, पहले भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस दिल्ली में थी, तब नहीं हुआ तो अब कैसे? कांग्रेस तो हमारी खिलाफ थी ना, आप क्या सुन रहे हैं मेरी बात अभी तक? तीन दफा हमारा केस दिल्ली गया और कांग्रेस ने रिजेक्ट करवाया। फिर आपकी ये लड़ाई तो कांग्रेस के साथ होनी चाहिए थी जब आप सत्ता में थे। बिल्कुल लड़ाई है, तो हमारी हमेशा कांग्रेस से लड़ाई थी। आपको पता है मैं 6 दफा लड़ा हूँ कांग्रेस के अगेंस्ट जी। आप क्यों भूल जाते हो, हमारी लड़ाई कांग्रेस से रही है, हमारा नुकसान पहुंचाने वाले प्योरली कांग्रेस ही है। आपको नहीं लगता कि पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस देवेंद्र रैना की वजह से टूट चुकी है? अब तो ना डिमोरलाइज, कोई पार्टी नहीं टूटती ना डिमोरलाइज होती है, वो अपनी जगह चढ़ेंगे हम अपनी जगह खड़ेंगे, हम अपने काज के लिए कड़ांगे वो अपनी। इन शॉर्ट, अब आपका मकसद क्या है, किस तरह से लाइफ? हमारा मकसद ये है जी।
कि हम दिल्ली तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर को कहें कि हमारी ये 40 बरस की जो जमान है इंडिपेंडेंट या बीजेपी के साथ। अरे हमें वहां कौन पहचानता है यार, कमाल करते हैं। बीजेपी को आगे रखेंगे, रविंद्र राणा को आगे रखेंगे, जो खुद पहाड़ी है, जो नुशहरे का है। रविंद्र राणा भी साथ होंगे? रविंद्र राणा जाएगा ना? रविंद्र राणा वो जाए ना जाए, क्योंकि वो पहाड़ी नहीं है। रविंद्र राणा और बीजेपी का वो विबोध गुप्ता पूर्ण जोरी का एवरी बीजेपी जो हमारे साथ। अगर बीजेपी ये कर देती है, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दे देती है, तो फिर आपका झुकाव हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी पे? क्योंकि वो मांग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी करेगी तो एवरी पहाड़ी विल वोट फॉर भाजपा। बुखारी घर बैठा रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। मुश्ताक बुखारी भी? नहीं, बुखारी जाए ना जाए, लेकिन बुखारी नहीं जाता तो भी वोट चला जाएगा। मुश्ताक बुखारी का वोट भी चला जाएगा? मैं भी दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। एहसान है उनका, मेरी नस्ल को उन्होंने सुधार दिया, मेरे बच्चों यतीम बच्चों को भूख खत्म कर दी, तो मैं बड़ा एहसान पर। अहमद बुखारी का पॉलिटिकल करियर क्या है, आगे क्या देखते हैं? मेरा पॉलिटिकल करियर है कि पहाड़ियों को एसटी मिल जाए। अपना राजनीतिक अब क्या आगे चुनाव लड़ने की पहले भी तैयारी नहीं थी ना, मैं लड़ना चाहता था आपकी कसम जी। ये तो मुझे जबरदस्ती लोगों ने मिलने बढ़ाया दो बार जी। मैं कभी भी पॉलिटिक्स से राजी नहीं हूँ, मैं हमेशा इस काम के पीछे था कि इस कम्युनिटी को कुछ मिले, कुछ सोशल वर्क करे, जिसका कुछ स्वाब हो, किसका कोई फायदा हो। पॉलिटिक्स में आके तो आपको गलतियां भी करनी पड़ती हैं, नुकसान भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। और लास्ट में फिर से मैं पहला सवाल ही पूछूंगा कि आपको पहाड़ियों के साथ जाने की खुशी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलने का दुख? मुझे पहाड़ियों को मिलने की खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे सईद मुश्ताक, अल्ताफ बुखारी, अहमद बुखारी। बिल्कुल, क्योंकि अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी साथ साथ जुड़ती मिलती दिखाई दे रही है। और साफ है कि बुखारी साहब का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव तो नहीं है, लेकिन यदि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो उनका अपना वोट भी जो है वो बाकी पहाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है। फिलहाल आप जुड़े हैं वी स्टूडियो न्यूज के साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार।